शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थोड़ा चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ हंसी और मोहब्बत की बात कीजिए, जिंदगी में परेशानियां भूल जाइए, गम भूल जाइए, और हैं भी तो रहने दीजिए एक तरफ। यार अब रात के 10 बजे क्या परेशानी है हमें ना, जैसे मैंने कहा रात के 10 बजे क्या, लड़कियां कितनी इंटेलिजेंट होती है, जैसे ही मैंने कहा रात के 10 बजे क्या परेशानियां, एक लड़की ने ऑडियंस में घड़ी देखी, मैडम मैं टेलीकास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, शूट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, वेरी इंटेलिजेंट जीनियस, आप IAS क्यों नहीं देती, कलेक्टर बन सकती हैं आप। और ऐसी इंटेलिजेंट जब लड़कियां होती हैं और उसकी शादी हो जाए, तो एक आदमी आया मेरे पास, बोले यार मेरे ससुर जी नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए, घर घर दिया, फोन पे ही नाराज हो गए क्या? मैंने हमारे यहाँ तूफान आया था, उनका फोन आया, तूफान के क्या हाल है, मैंने कहा कूलर के आगे सो रही है। अब ये कोई नाराज होने वाली बात है? ये लखन मेरे पास आया, सर मैं बोलो बैंक वाले नाराज हो गए मुझसे। मैंने क्यों नाराज हो गए, बोले मैं तो फटाफट नोट बदलवाने गया था, और जैसे गया तो मुझे बोला खाता है, मैंने कहा पीता भी हूं तो नाराज हो गए। अकाउंट की बात कर रहे थे, खाता समझा ना, हर जगह पीता भी हूं, ये कोई बात होती है क्या? पियो, पीने का मना नहीं है, पर बैंक में थोड़ी होता है ऐसे, ऐसा थोड़ी होता है बैंक लूटने जाओ और वहीं गिनने बैठ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन लोग काम भी ऐसा करते ना, मैंने साइन बोर्ड देखे, इतना बढ़िया साइन बोर्ड मैंने जिंदगी में नहीं देखा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट समझते हैं आप? हाँ तो भरो, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आंखों का डॉक्टर, क्या बढ़िया बोर्ड था साहब, मजा आ गया मुझे। डॉक्टर मनोज कुमार, पुराने बस स्टैंड के पीछे, आप अपनी बीवी को तो आंखें दिखा नहीं सकते, मुझे दिखाएं। और सबसे बढ़िया एक लड़के ने किया और पिटा, फिर पिटना ही था, हरकत ही ऐसी की। एक बढ़िया हमारे यहां ब्यूटी पार्लर खुला था और उसका साइन बोर्ड था सत्यम शिवम सुंदरम ब्यूटी पार्लर, वो चेंज करके आ गया, पिटना ही था, बोले सत्यम छुपम सुंदरम दिखम ब्यूटी पार्लर। ऐसा होता है ना, लड़कियां लड़कों कहती है, लड़के ना लड़कियां आपस में बात करती है लड़कों से, तुम एक मिनट में बदल जाते हो, तुम बदल जाते हो, तीन दिन तक सुंदरा तुम बदल, तू भी तो ब्यूटी पार्लर जाके बदल जाती है, तू कौन सी हो रही चले, फिर जाती है अंदर बाहर कोई और आती है। लेकिन जिंदगी में बदलना नहीं चाहिए, जो आप हैं वो रहिए, क्या दिक्कत है, बदल से क्या हासिल हो जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं हो जाएगा। कई लोग होते हैं ना, माहौल देख के बदल जाते हैं, किसी का चेहरा देख के बदल जाते हैं, लेकिन जो आपके भीतर है अगर वो सच बाहर आने की ताकत नहीं है तो फिर क्या फायदा। और ये जो कवि लोग हैं ये माहौल से बदलते नहीं है, क्योंकि इनके भीतर सच है जिसे बोलने की ताकत ये लोग रखते हैं। और ऐसे तीन लोग हमारे साथ हैं जिन्हें मैं आपसे परिचित कराना चाहता हूँ। उनमें से एक जो मंच के इस कोने पे बैठा है, मैंने उसे उस जमाने में देखा जो बेहद दुबला पतला हुआ करता था और पैंट के ऊपर एक कुर्ता पहनता था, वहां से लेके बंद गले के सूट तक ये आया है, इसे तरक्की कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 13 साल पहले या 14 वर्ष पहले चिराग जैन मुझे मिला था एक शो के ऑडिशन के दौरान, और जब उसको बुलाया उसने कविता पढ़ी, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ उस वक्त वो कविता 50 बार भूला कविता पढ़ते हुए, होता है पहली बार जब कैमरे के सामने आते हैं, मैंने कहा आज तुम कविता पढ़ते भूल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसी कविताएं पढ़ोगे कि फिर लोग नहीं भूलेंगे। और चिराग जैन आज हमारे बीच में, दिनेश रघुवंशी फरीदाबाद हरियाणा से आते हैं हमारे बीच में, और देश के सर्वश्रेष्ठ संचालकों में से एक है, और बहुत अच्छा संचालन करते हैं और बहुत बढ़िया कमाल के गीतकार हैं, इतना अच्छा संचालन करते हैं कि मुझे लग रहा है कि आज कहीं आप वहां से यहां ना आ जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिनेश इश्क लिखते ही नहीं है, इश्क करते भी हैं। पिटवाऊंगा क्यों, इंदु भाभी सुन रही है, अभी देख रही है, इंदु भाभी
दिनेश रघुवंशी सिर्फ इश्क लिखते ही नहीं है, इश्क करते भी हैं। कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, कब करते हैं, ये जब घर आए तब आप जरूर पूछ लिएगा। बाकी जानकारियां मेरे पास है जो मैं आपको देना नहीं चाहता। दिनेश रघुवंशी हमारे बीच में और इन दोनों के बीच में मनीषा शुक्ला है जो दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली में एक गैर सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान में काम करती हैं। अर्ध सरकारी संस्थान में काम करती है और हिंदी पे उनकी पकड़ बड़ी कमाल की है। गीत लिखती है और बहुत सहज ढंग से लिखती है और उसी सहज ढंग से प्रस्तुत भी करती है। अब स्वागत करते हैं मनीषा शुक्ला। एक सुंदर युवती जब दो असुंदर व्यक्तियों के बीच में बैठी, मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इतना कर सकता हूं कि थोड़ा दुख तुम्हारा कम हो कि दो में से एक ही रहे, एक यहां आ जाए। चिराग जाए जरा यहाँ, ये जोरदार तालियों से। शैलेश भाई ने कहा कि हम अपने अपने थोबड़े लिए एक सुंदर युवती के साथ बैठे हैं, तो जैसे भगवान ने दिए भैया वैसे बैठे हैं। आप क्या कर सकते? अब मैं चाहता तो इस बात का बुरा मान सकता था, लेकिन इसलिए नहीं माना कि बुरा मान के भी क्या कर लूं। हां क्या कर लूं, अब कुछ नहीं हो। आदमी को बुरा अपनी औकात के अकॉर्डिंग मानना चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि ताकत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का, आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। वाह वाह, तो इसलिए उतना ही बुरा मानना चाहिए। नहीं नहीं, तो ये बुरा मानने वाले लोगों पर मैंने रिसर्च किया है शैलेश भाई। अच्छा। उन पर मैंने एक कविता लिखी है और मेरा मन है कि वो कविता आज यहाँ सुनाऊं। विषय भी यहीं से आपने शुरू भी किया था इत्तफाकन, मैं वो सुनाता हूँ। हर आदमी के जीवन में तीन तरह के लोग होते हैं, एक जानने वाले, एक पहचानने वाले, एक बुरा मानने वाले। जानने वाले लोग जीवन को बहाव देते हैं, पहचानने वाले गाहे बगाहे भाव देते हैं, और बुरा मानने वाले केवल तनाव देते हैं। सही बात है। जानने वाले लोग जीवन की डोर होते हैं, पहचानने वाले बिना मतलब का शोर होते हैं, और बुरा मानने वाले ना डोर होते हैं ना शोर होते हैं, ये साले कुछ और होते हैं। ये हमेशा अपनी अपनी हांकते हैं और दूसरों को कुछ कहने ही नहीं देते। ये ना तो खुद खुश रहते और दूसरों को रहने भी नहीं देते, नहीं देते। वाह। अब यहां से जो यात्रा शुरू हो रही है, आप सबकी जिंदगी में आसपास ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। इस प्रजाति के लोग जब घर से निकलते हैं तो इनका एक ही लक्ष्य होता है, आज फिर किसी नए आदमी से बैर ठानना है, आज फिर किसी बात का बुरा मानना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया चिराग। इस काम के लिए वे गली गली भटकते हैं, ट्रेनों में चलते हैं, बसों में लटकते हैं, अलग अलग लोगों से अटकते हैं, सबके फटे में टांग अड़ाते हैं, हर मुद्दे में अपनी राय भिड़ाते हैं, सबकी समस्याएं अपने ऊपर उठते हैं, और फाइनली किसी ना किसी बात का बुरा मानकर ही घर लौटते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया चिराग। कोई फिल्म प्रोड्यूसर इन पर फिल्म बनाएगा तो इनके बारे में यूं बताएगा, बुरा मानने वाले ये लोग दुनिया के हर प्रदेश में पाए जाते हैं। बुरा मानने का तत्व मादा में नर से ज्यादा होता है। वाह 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 वाह। और उष्ण कटिबंध इनकी कटी में बंधे रहते हैं। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटी देर से समझ में आया कटी। इनको कटी समझ आ रही है, ये क्या कम हंसने की बात है। उष्ण कटिबंध इनकी कटी में बंधे रहते हैं। मतलब कमर, उष्ण मतलब गर्म, और जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वो होता है उष्ण कटिबंध, हमेशा गर्म रहता है। तो उष्ण कटिबंध इनकी कटी में बंधे रहते हैं। इस प्रजाति के एक किंग, नाम था उखड़ सिंह, किसी के घर खाने पर गए। अच्छा। और ऐसे ही नहीं गए, बाकायदा उसके बुलाने पर गए। बुलाने वाले ने खूब किया आदर सत्कार, सेवा शुश्रूषा अपनत्व प्यार, भेंट देकर स्वागत किया, उपहार देकर विदा किया। लेकिन उखड़ सिंह जी घर जाते जाते इस बात का बुरा मान गए कि साले ने बुरा मानने का मौका ही नहीं दिया। इस प्रजाति के ये विशेष लोग बेहद खास होते हैं, ना ये व्यक्ति की परवाह करते, ना अवसरों के मोहताज होते हैं। चाहे ये किसी को जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, सबसे संभाव रखते हैं, मतलब बराबर बुरा मानते हैं। क्या बात है, वाह वाह, सबसे संभाव रखते हैं। ये अनोखे लोग ना संत होते हैं
ना आली होते हैं, ना चोर होते हैं, ना मवाली होते हैं, ये एक्चुअली बहुत ठाली होते हैं। परेशान रहना इनकी लाइफ का फंडा होता है, कड़वा बोलना इनका परमानेंट एजेंडा होता है, और कोई इन्हें खुश करने की कितनी भी कोशिश कर ले, इनका रिस्पॉन्स एकदम ठंडा होता है। वाह वाह वाह। ये गले में भोंकड़ा पूरते हुए पैदा होते हैं, माथे में त्योरियां डालकर जीते हैं, क्या बात है? और जिंदगी में पानी से ज्यादा खून का घुट पीते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया चिराग। और जिंदगी में पानी से ज्यादा खून का घूट पीते हैं, मुस्कुराहट इनके पास आने से नाटती है, हंसी इन्हें काटती है, ठहाकों से ये डरते हैं, और जिंदगी से इतना बुरा माने हुए हैं कि लगभग रोज मरते हैं, लगभग रोज मरते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज का बुरा मान लेते। बहुत अद्भुत विषय तुम लेके आए, बहुत ही अद्भुत विषय लेके आए। लेकिन जिंदगी में ये पंक्ति बड़ी कमाल की है कि बुरा मानने वाले लोग लगभग रोज ही मरते हैं। बुरा मत मानिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए। बुराई का जवाब बुराई से कभी नहीं दिया जाता, बुराई का जवाब सिर्फ अच्छाई से दिया जा सकता है, और नफरत का जवाब सिर्फ मोहब्बत से दिया जा सकता है। और मोहब्बत की बात पे मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूँ जो मोहब्बत के गीत बड़े शानदार कहता है, दिनेश रघुवंशी जो बात। एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ और युवा लोग सामने बैठे हैं, आपसे कहना चाहता हूँ कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना, लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तू मोहब्बत संभाल कर रखना। सुनिए। एक लड़की भोली भाली सी, एक लड़की भोली भाली सी, महके फूलों की डाली सी, निश्चल निर्मल चंचल धारा, जैसे तोड़ के चले किनारा, नेह के अमृत कलश से मेरी जीवन बगिया को सींचे, जिसके पीछे दुनिया पागल वो पागल तेरे पीछे। एक लड़की भोली भाली सी, बहुत स्मार्ट है ये गीत, आपको समर्पित है, सुनिएगा। शुक्रिया। मुझे पता मेरे पीछे कौन है, जरा पता तो चले। वो दुनिया का गणित न जाने, सबकी बातें सच्ची माने, जागी आंखों में कुछ सपने, उसको सब लगते हैं अपने, झील सी गहरी आंखें सुहानी, जैसे कहे अनकही कहानी, मौन निमंत्रण मुझको जिसका, कोई अर्थ स्वयं गढ़ लूं, उसकी चाहत में बस उसकी आंखों में चेहरा आए, आए। कुछ समझाना चाहूं उसको, हंस कर अखियों को मीचे, जिसके पीछे दुनिया पागल वो पागल मेरे पीछे। अगला अंतरा सुने, दो अंतरे और हैं इसके। उसका जीवन खुली हथेली, शैलेश जी आप बहुत बड़े शब्दकार हैं, ये अंतरा विशेष रूप से आपको समर्पित है। थैंक यू। आपने प्रेम को बहुत ही हमेशा सर्वोपरि रखा है जिंदगी में और कविताओं में, देखिएगा। उसका जीवन खुली हथेली, वो क्या जाने प्यार पहेली, वेद ऋचाओं सी वो पावन, उससे महके प्रीत कांगन, सारा खालीपन भर देगी, जीवन वृंदावन कर देगी, भर देगी, जीवन वृंदावन कर देगी, देह यष्टि ऐसी की जैसे लाखों बंधन वार सजे, उसकी मादक छुवन से पल में मन वीणा के तार बजे, उसकी मादक छुवन से पल में मन वीणा के तार बजे, तो एक अनदेखे से बंधन में मुझको अपनी ओर खींचे, जिसके पीछे दुनिया पागल वो पागल तेरे पीछे। अंत सुनिए कविता का।
आंचल में खुशबू भर लाई, उससे महक उठी अंगनाई, मौसम की पहली बारिश, वो अब मेरी भी हर ख्वाहिश, वो डरता हूँ कुछ कर ना जाए, ना बोलू तो मर ना जाए, डरता हूँ, चराग आपको समर्पित, डरता हूँ कुछ कर ना जाए, ना बोलूं तो मर ना जाए, सोच रहा हूँ आखिर कैसे अब मैं उसको समझाऊं, उसको समझाते समझाते खुद पागल ना हो जाऊं, सोच रहा हूँ कैसे आखिर अब मैं खुद को समझाऊं, उसको समझाते समझाते खुद पागल ना हो जाऊं, तो मन करता है रख दूं दिल को, मन करता है रख दूं दिल को उसकी पलकों के नीचे, जिसके पीछे दुनिया पाग वो पागल तेरे पीछे। दोस्त को दुनिया के सबसे खूबसूरत दिल वाले नौजवान कवि को जोरदार तालियां, शैलेश भाई को, शिमारू टीवी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपने साथी कवियों का, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू। बात है शैलेश भाई, वाह वाह, अच्छा लगा आपको भैया, वाह, थैंक यू। दिनेश जी, दिनेश भाई, दिनेश मेरे तो दिनेश है क्योंकि बड़े, लेकिन क्या कहूं, दुनिया में जानती है हास्य कवि के तौर पे, व्यंग कवि के तौर पर, और हस्ती भी है मेरे साथ खूब इतने वर्षों से, लेकिन भीतर से यकीन मानो मैं गीतकार ही हूँ, और जब ऐसे गीत सुनता हूँ तो फिर यकीन मानिए मैं इस जगह पे होता ही नहीं हूँ, मैंने जाने कहाँ चला जाता हूँ मुझे नहीं पता, और आपने मेरे उस भीतर के गीतकार को जो बाहर निकाल दिया, वो गीत जो मैंने लिखे लेकिन कभी पढ़े नहीं, वो गीत जो मेरी डायरियों में बंद रह गए एक ज़माने में और कभी शायद पढ़ूं भी नहीं। जमाना पूछता है किसकी खातिर गीत लिखता हूँ, भला कैसे बताऊँ उसकी खातिर गीत लिखता हूँ, मेरे गीतों की शोहरत दूर तक पहुँची तो क्या पहुँची, पता उसको नहीं मैं जिसकी खातिर गीत हाय हाय, थैंक यू। लेकिन मानिए ये जो इस तरह के गीत हैं, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं हजारों रुपए के टिकट खरीद के भी ये गीत सुन सकता हूँ, ये गीत मेरे दिल में उतर जाते हैं और मुझे जीने का सबब देते हैं, मुझे जीवन की खूबसूरती बताते हैं, और ये खूबसूरती ज़िंदा रहनी चाहिए और ये ऐसे ही ज़िंदा रहेगी। ज़िंदगी के सवालों का जवाब सिर्फ मोहब्बत में है और किसी चीज़ में नहीं है। एक बेहतरीन कविता सुनी हमने चिराग जैन से और एक शानदार गीत सुना हमने दिनेश रघुवंशी से, लेकिन महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, मनीषा शुक्ला के पास एक ऐसा गीत है जो तुम दोनों पे भारी पड़ जाएगा, सच कह रहे हैं हम, मनीषा शुक्ला चली आओ और इन दोनों को बता दो कि तुम्हारे पास क्या है। अभी मैं तैयार हो रही थी तो किसी ने प्रोडक्शन से कहा कि मनीषा जी कितना समय लगेगा आपको, कितना समय लगेगा आपको, मुझे समझ नहीं आता कि पुरुष ऐसे सवाल क्यों करते हैं। जब मैंने एक बार में कह दिया कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ तो हर आधे घंटे में पूछने का क्या मतलब है? हम ही राहें बनाते हैं, हम ही दुश्वार करते हैं, सजा भी जानते हैं खता हर बार करते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं, किसी की जान लेनी हो तो उसको प्यार करते हैं, किसी की जान लेनी हो। ये बढ़िया बात है भाई, किसी की जान लेनी हो तो उसको प्यार करते हैं, वाह वाह। महिलाओं से ज्यादा शांति प्रिय व्यक्ति पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। नहीं सवाल ही नहीं। महिलाएं हमेशा शांति चाहती हैं। एक छोटा सा गीत आप तक पहुंचाती हूं, उस प्रेम की यात्रा, ये भी चाहती है कि शांति टाइम पे आए और काम करके जाए पूरा। छोटा सा गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, प्रेम की यात्रा को बहुत कम शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, सुनिए।
से बात करने के बहाने ढूंढते हैं। सुनिएगा। मुझे पता है जानबूझकर रोज कलम वो खोता था। मुझे पता है जानबूझकर रोज कलम वो खोता था। मेरी आंखों में अपने कल के सपने वो बोता था। ग्रीटिंग वाले कार्ड छुपाना कितना मुश्किल होता था। मैं कॉलेज की मैना थी और वो कॉलेज का तोता था। मैं कॉलेज की मैना थी और वो कॉलेज का तोता था। इश्क हमारा हेडलाइन था कॉलेज के अखबार। लिफाफों से चलकर एसएमएस और मेल तक आते हुए सुनिएगा। मोबाइल पर घंटों चैटिंग करना सीख चुका है प्यार। डीपी बदल बदल कर रोज संवरना सीख चुका है प्यार। एक बुक फॉलो कर आगे बढ़ना सीख चुका है प्यार। एक बुक फॉलो कर आगे बढ़ना सीख चुका मरना सीख चुका है प्यार। फ्रेंड लिस्ट से एग्जिट करके मरना सीख चुका है प्यार। गहराया है रंग प्रेम पर इस डिजिटल संचार का। खूब चढ़ा है रंग प्रेम पर मोबाइल संचार का। भूले से भी ना भूले वो मिलना पहली बार का। बहुत अच्छा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम भारी पड़ गए इन दोनों पे। कुल मिला के कौन किस पे भारी पड़ रहा है ये प्रश्न नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि तीनों ने पढ़ी तो जीत कविता की हुई है। जिन्होंने कविता सुनी उन्हें बधाई, जिन्होंने कविता सुनाई उन्हें बधाई, जिन्होंने तालियां बजाई है उन्हें बधाई, और जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट आई है उन्हें बधाई, और चूंकि इस सब का निमित्त मैं हूं मुझे बधाई। वाह भाई वाह।